रामस का बाल भी बिगड़ा नहीं हुआ अंशिला, उसके लिए बाबा अपनी जिंदगी से खेल गया, उसने मरकर बचाया। हेलो, बाबा अभी मरा नहीं दावर कमाल। हाँ बोल रहा हूं। बाबा मर गया अमशीरा, मर गया। बाबे को मैंने नहीं मारा, मैं मुबारक। पुलिस ने तो पर्चा काट दिया ना बाली, तेरे नाम का। बावे को मैंने नहीं मारा, मैं मुबारक। देखते हैं, देखते हैं। तुम यहां से ना मत। सकता पूरे शहर में यही खबर है सनमजान। पूरा शहर एक तरफ, बाली एक तरफ। नर्स साहब को फोन लगाओ। लग गया सनमजान। सनम जान बोल रहे हो? मैं साहब। कहो सनम जान, कैसे याद किया? बाली के किस्से में बाली कसूरवार कितना है मैं साहब? वो कहता है उसने बाबे को नहीं मारा। आंख बंद करके तो बात कर लीजिए मैं साहब। अगर वो कहता है कि उसने बाबे को नहीं मारा तो कसम अल्लाह बात की, उसने बाबे को नहीं मारा। क्यों नहीं मार सकते अम्मा? पिस्तौल उसने चिड़िया मारने के लिए रखी है। बावे को क्यों मारेगा वो? मारना ही था तो उस मुए रामस को मारता। शहर के सारे लोग झूठ बोलते हैं ना अम्मा? हाँ सब झूठ बोलते हैं। पता नहीं अल्लाह ने किस गरीब की सुनी है, किसकी आह लगी है उसे। किस गरीब की आह लगी है उसे। दरवाजा बंद कर ले, तेरी खाला का हाल पूछ के आती।
वहां करने क्या गए थे? उसे मिलने गया था। शर्म कर यार, तेरी उसकी मुलाकात बनती है। मैं उसे बताने गया था कि उसकी जान खतरे में है। ये मेरी बात है हमशीरा, कि जिसकी मंगेतर से इश्क हो उसकी जान भी अजीज हो। वाह, ये खबर तुम्हें कहां से मिली कि उसकी जान खतरे में? उसने दावर अंकल का रास्ता रोका था, पिस्तौल तान गया था इन पर। मतलब तुम उसे बताने गए थे कि वो दावर कमाल से होशियार रहे? नहीं मामा, मैं उसे बताने गया था कि उसकी जान खतरे में है, लेकिन उसकी मौत तय हो चुकी थी। पहले उसने किसी के हाथों मरना था, अब वो अपने हाथों मर गया। मेरा नहीं ख्याल कि इस हालत में इस तरह के सवाल करना बनता है। हयात अहमद, तुम सिर्फ ये देखो कि यहां हो क्या रहा है, ये मत बताओ कि हमें करना क्या है। एक बात याद रखो सुरैया बतूल, इस शहर में 101 बाली है और तुम्हारा सिर्फ एक बेटा है। मैं इसे किसी बाली के हाथों मरने नहीं दूंगा। मैं ज्यादा देर ये सुनना नहीं चाहती कि बाली जिंदा है। वो तो समझो मर गया हमशीरा, उसने बावे का खून कर दिया है, अब वो नहीं बच सकता, अब वो नहीं बचेगा। तू भाग जा बाली, पुलिस ने अपना काम पक्का कर दिया है। क्या होगा? और इस बार पुलिस तुझे छोड़ेगी नहीं। बोल से डर जाओ, चल रहने दे। एक दफा यहां से निकल, तू पकड़ा गया तो बाजी हर जाएगी बाली। भाग जाओ। हाँ भाग जाऊंगा तो सारा शहर थू थू करेगा मुझ पर। दावर कमाल कहेगा कि बाली भाग गया, मुबारक जाएगा। जोरा कहेगी, ये नहीं चाहती बाली कि तू फांसी चढ़ जाए। अल्लाह जाने ना जो जोरा क्या चाहती है। कुछ दिन के लिए यहां से चले जाए अम्मा। क्यों? पुलिस यहां भी आएगी? पहले क्या पुलिस नहीं आई यहां? खाला का क्या बनेगा अम्मा? एक बात याद रखो जोरा, बाली को कुछ नहीं होगा। तो मैं कब कहती हूं उसे कुछ हो? सुगरा ने अपने हंझुओं पे तेल से दीवा बाल रखा और उसकी आंख से अभी हंझू खत्म नहीं हुए। तू उस तत्ती की मुसीबत नहीं जानती जोरा। शादी के 9 दिन बाद बाली का बाप उसे छोड़कर चला गया था और आज
तक मुड़ के नहीं आया। उस शोधे को तो ये भी नहीं पता कि उसके घर बाली पैदा हुआ था। तुम तो कहती थी कि बाली का बाप मर गया है, इसलिए कहती थी कि मरे हुए भी पलट कर नहीं आते। दरवाजा तो बंद करके रखो। किस लिए बंद करूं? पुलिस वालों के खड़काने से मुझे डर लगता है। घबरा ना सुगरा, तेरे बाली को सत्ते खैरा। अल्लाह जानते है कौसर, अब मैं घबरा गई हूं। दिल कहता है वो पकड़ा ना जाए। कुछ लोग तो कहते हैं बावे को बाली ने नहीं मारा। कुछ लोग कहते हैं ना, पुलिस वाले कुछ लोगों की नहीं सुनते। तेरा दिल क्या कहता है सुगरा? कहता है चुप वाटला सुगरा, होनी को तू नहीं डाल सकती। किस जुर्म में? जुर्म तो है ना सर, बाली पुत्र है उसका। जुर्म तो यह भी है वड़ाइच कि तुम जैसे अफसर पुलिस में भर्ती हैं। यस सर। मैं मुबारक से बात करो। मेरे कहने पर तो वो फोन पर भी बात नहीं करेगा सर। तो फोन लगाओ, मैं खुद बात करता हूँ। बोलो। ज्यादा तो सुना के लगे हैं सर, वो माँ को मिलने भी नहीं आए। वो कोई फिल्मी हीरो नहीं है जो कत्ल करके मां से मिलने जरूर आएगा। तुम बस खुरा ढूंढो। और वो क्या नाम है उन लड़कों का? नाजू और मौजू सर। हाँ, उनका पता कराओ, खुरा अपने आप मिल जाएगा। वो दोनों भी गायब है सर। उनका तो पर्चे में नाम नहीं है। बाली के साथ नहीं है दोनों। जी बोल रहा सर, तलाश जारी है सर, अगले 24 घंटों में पकड़ा जाएगा। मैं मुबारक में हाथ डालना पड़ेगा सर। यस सर। ओके सर, 24 घंटे सर। सर आने तो बख्शी। से कहो कि मुंह फेर ले, वरना मुझसे बात नहीं होगी। तावर कमाल को तुम्हारे आने की खबर हुई रंजन, तो क्या होगा? हो सकता है गुस्से में आके मुझे जान से मार डाले।
क्या हुआ कि जिंदगी से प्यार नहीं रहा? मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि बाली बेकसूर है। सो तो मैं जानती हूँ। मैं भी शहर की हवेलियों में रहने वाले अन्नदाताओं को जानता हूँ सनम जान। कोई बाली की मदद को नहीं आएगा। घोड़ा सारी उम्र अपनी टांगों पर मालिक को लिए फिरता है। लंगड़ा हो जाए तो मालिक आप उसे गोली मार देता है। तुम मेहर मुबारक की बात कर रहे हो? मैं सबकी बात कर रहा हूँ। हर उस शख्स की जो मेहर मुबारक है, और हर उस मेहर मुबारक की जिसने अपने लिए बाली पाल रखा है। तुम बाली के क्या लगते हो? मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ सनम जान? बात जब चल निकली है तो कोई बाली से मेरा रिश्ता भी पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। क्या किसी ने अमीलन से रंजन का रिश्ता पूछा था? तो फिर जाओ रंजन, अल्लाह सही पे भरोसा रखो। जिंदगी जब उसकी देन है तो कोई दावर कमाल उसे बाली से छीन नहीं सकता। से कहा हमारे हल्के में गरीबों का खून होता है और कातिल पकड़े नहीं जाते। मैं मुबारक ने कहीं छुपा कर रख लिया है बाली। लगता है मैं मुबारक की शामत आई। तुम मेरा इंतजार करो, मैं हल्के का दौरा करूंगा और मेरी तरफ से ऐलान करवाओ कि बाली के दरवाजे की ये काम तो दावर साहब को करना चाहिए। जब तक बाली पकड़ा नहीं जाता दावर कमाल को हवेली में रहे। दो चार दिन की तो बात है। बाली पकड़ा क्यों नहीं जाता बड़ाइच? बंदा मौत से भागने के जतन तो करता है ना दावर साहब। मैं लिख कर देता हूं, बाली मैं मुबारक की पनाह में है। लिखने की जरूरत नहीं, इस बात का तो डिप्टी साहब को भी पता है। इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारा डिप्टी बस नाम का ही ईमानदार है ना? ना दावर साहब, डिप्टी साहब की ईमानदारी पर शक ना करें। प्रॉब्लम ये है कि मेरे कहने से उन्हें यकीन नहीं आता कि बाली ने बावे को मारा है। समझता तो वो भी ठीक ही है महाराज। बाबा तो बीच में मुर्गी बन गया ना बेचारा। अल्लाह जानता है कि मेरी नजर बदरू पर थी, पर गोली मरने वाले का नसीब आप लिखती। किधर किधर बाली? मां से मिलने जा रहा हूं।
पागल हो गया, वरैच ने तुझे देख लिया ना तो गोली मारकर बताएगा कि बाली पकड़ा गया। बाली वड़ाइस से पकड़ा जाए तो फिर बाली बाली तो ना हुआ। ना कर बाली, ना कर, चारों तरफ नाके लगे हैं और तू बच के जा ही नहीं सकता। अल्लाह पर भरोसा रख। पुलिस भी अल्लाह के भरोसे पर खड़ी है बाली। मेहर मुबारक। यहां से निकलकर जिस रास्ते पर चलेगा तुझे मौत की तरफ ले जाएगा बाली। यहां कितनी देर रहूंगा मेहर मुबारक? जितनी देर पुलिस का गुस्सा ठंडा नहीं होता। जेल से बचकर जेल में नहीं रह जाता मेहर मुबारक। मां से मिलने जरूर जाऊंगा। अच्छा ठहर, रात होने दे, मैं कुछ करता हूं। उसे ये बताने गया था कि उसकी जान को खतरा है। फिर उसने मेरी बात सुनी नहीं। मैं चिल्लाता चला गया और वो मुझे मारता चला गया। तुम्हारे गुस्से में उसने तुम्हारे साथी को क्यों मार डाला? वो मेरा साथी नहीं था, बावर अंकल का आदमी था। मेरे भाव आने की तो किसी को खबर ही नहीं थी। तो फिर उसने तुम्हें क्यों नहीं मार दिया? पता नहीं क्यों। तुमने अपनी आंखों से उसे गोलियां चलाते हुए देखा है? मैं उस वक्त जमीन पर गिरा हुआ था। गोलियों की आवाज सुनकर देखा तो बाली के हाथ में रिवॉल्वर था। दूसरी तरफ एक आदमी खून में लथपथ अपनी मां को आवाज देके चिल्ला रहा था। फिर मुझे होश नहीं रहा। मैंने कभी खून होते हुए नहीं देखा ना। काश मैं वहां नहीं गया होता। बदरू कौन? डावर कमाल का आदमी है। यहाँ क्यों आया है? आपसे मिलने। मुझसे क्यों? जिबा होने से डरता है मेहर साहब। आपकी पनाह चाहिए उसे। बुलाओ, शक्ल तो देखे उसकी। मेहर साहब, मेहर साहब, डावर जा, बख्शी। डावर कमाल मुझे मार डालेगा। तू मैं मुबारक की पनाह में है। डावर कमाल तुझे छू नहीं सकता। इसे ले जा बेबी, होश के आए से। खौफ भी क्या चीज है मेहर मुबारक, शेर को चूहा बना देती है। बदरू, बदरू, बदरू कहाँ? सुबह का नजर नहीं आया। किसी काम को नहीं भेजा आपने?
भाई वो मौके का गवाह है, मैं उसे सब्जी लेने भेजूंगा, ढूंढो उसे और हवेली में बांध के रखो। क्या बात, किसी ने टेलीफोन पर खबर दी है कि बाली रात को दावर कमाल पर हमला करेगा। पुलिस का है, सारी पुलिस नाकों से उठाकर हवेली के आर द्वार खड़ी कर दी है, बाली की तो ऐसी की तैसी। ठीक किया है, खबर भी वड़ैच को ही देनी थी। हाँ तो तुम कह रहे थे कि गोलियां बाली ने नहीं मारी, तो फिर किसने मारी हैं? सैदू ने मेहर साहब, निशाना तो मेरा लिया था, पर निशाने का बुरा है गोलियां बावे को जा लगी। फिर तो निशाने का अच्छा हुआ ना। दावर कमाल ठीक कहता है, वो शतरंज का खिलाड़ी है। शायद दावर कमाल पाली से कहना नाके टूट गए हैं, जाकर मां से मिला। बख्शी के लिए तो फिर जान बख्शी गई। ओए चलिया, कभी बंदा भी बंदे की जान बख्शता है, पुल के भी किसी मैर से न कहना की जान बख्शते, फिर वो तेरी जान तो नहीं बख्शेगा। मुझे बताओ बाली, मैं क्या करूंगा? क्या तेरे लिए यही अच्छा है कि तू मर जा, तेरी जान बख्शी जाएगी। आपने मुझे बाली के घर जाने के लिए क्यों कहा? इसी बात पर अपने आप को कोस रहा हूं रामिस के, मैंने तुम्हें बाली के घर जाने के लिए क्यों कहा? पर मैं अपने आप को इसलिए कोस रहा हूं कि मैं वहां क्यों गया। मैं अंदरूनी शहर की एक गली में पैदा हुआ हूं रामिस, मैं वहां भांत भांत के लोगों से मिला हूं, वो बड़े गुस्से में भी हों तो अंदर से मासूम होते हैं, और मैं तुम्हारी मामा को भी जानता हूं, वो उसी शख्स से बहुत उलझती है जो दलीली में उससे बेहतर हो, इसलिए मेरा तजुर्बा कहता था कि बाली अंदर से मासूम निकलेगा। हाँ। लेकिन शायद वक्त बदल गया है,
तजर्बे किसी के इरादे पर कब्जा नहीं कर सकते। मुझे माफ करना रामिस, तुम्हें वहां भेजते हुए मुझे यह एहसास भी नहीं रहा कि एक तरफ मेरा अकलौता बेटा है और दूसरी तरफ एक दरिंदा, एक खूनी। तुर्क का पत्ता है सनम जान, तुम फैसला करो बाली की मौत को मैं टाल दूंगा। बोलो सनम जान, बाली की जिंदगी चाहिए या? बाली की जिंदगी चाहिए मेहर साहब। तुम निकाह की तारीख तय करो सनम जान, समझो बाली आजाद। क्यों आया बाली? पुलिस के हत्थे चढ़ गया तो क्या होगा? घबरा ना खाला, पुलिस को और भी बड़े काम है। जा मां सबके, चला जा, मां को तेरी शक्ल नहीं दिखनी। बाली डरने का सबक ना दे अम्मा, तेरा बाली बेकसूर है। उसने तेरी नहीं सुननी बाली। दोनों लड़ाई को पुल समझती अम्मा, बड़ा हिच पुल्स नहीं है। सीधा सीधा खड़ा हो, सीधा खड़ा हो। और खाना तो खा ले दावर साहब, हम भी भूखे बैठे हैं। खाते हैं खाना बड़ा है, खाते हैं। पहले बाली को तो आने दे, उसे को आए गोलियां चलाए और जाए। आके जाने नहीं दूंगा, खाना भामे मिले या ना मिले। दरवाजे तो सारे बंद है ना बड़ाई जी? दरवाजे भी बंद है और रास्ते भी बंद है। डिप्टी साहब को भी खबर कर दी है, बादू नफरी पहुंचने वाली है। चला फिर खाना खाए। दरवाजा खोल जोरा। इसे कह दे अम्मा यहां से चला जाए। कैसे चला जाऊं तुझसे मिले बगैर, तेरी शक्ल देखे बगैर कैसे चला जाऊं? तू चाहता है तेरी वजह से हम सब थाने में बैठे हो? मैं बेकसूर हूं जोरा। मौत से डरकर झूठ बोलने लगा है। झूठ नहीं बोलता तो फिर उस दिलों की तरह छुपता क्यों? हिम्मत है तो पेश हो जा। सामने आकर बात कर, आंखों में आंखें डाल कर कह बाली पेश हो जा। बाली को तेरी कसम, बाली बाली पेश हो जाएगा।
कह कह के बाली पेश हो जा। दिल कहता है तू बेकसूर है। तेरा दिल कहता है ना तू रहने दे खाला, गुड नाइट। फिर तेरा